हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा एंड वेलकम टू गोपी कोचिंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी एंड हम क्या पढ़ रहे थे, टैक्सोनॉमिक टूल्स या टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और हम पढ़ चुके थे चार टूल्स, अपन पढ़ चुके थे, आज बात करेंगे पांचवे टूल्स के बारे में जो कि क्या है अपना की, जिसे कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? की या कुंजी भी इसे कहा जाता है। अब आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि की किस प्रकार से टैक्सोनॉमिक टूल्स में, या फिर हम बात करें कि टैक्सोनॉमिक जो स्टडी होती है उसके अंदर अपनी हेल्प करेगी, यानी किस प्रकार से कीज के बेसिस पर अपन किसी जंतु को, यानी कि किसी एनिमल्स को, किसी प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसके आधार पर देखेंगे ये, आज कीज के आधार पर। देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसेप्ट वाइज टॉपिक है, और सबसे थोड़ा सा हल्का सा अगर बात करें इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके हिसाब से थोड़ा सा टफ पड़ता है, हल्का सा समझने वाला होता है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, वरना तो फिर हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज में रहता है इसको। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छे और कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे अपन। इसके बाद आपको कभी मतलब इसके बारे में कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कहीं भी सर्च नहीं मारना पड़ेगा गूगल वगैरह पर, कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना जरूर। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना की किस प्रकार से हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है कि टैक्सोनॉमिक कीज इज अ वन ऑफ द टैक्सोनॉमियल एड्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बेसिस सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। भाई क्या होता है कि जो कीज होती है ये क्या है, एक ऐसा टैक्सोनॉमिक टूल है जो कि क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है या क्लासिफाइड करता है, आइडेंटिफाई और क्लासिफाइड करता है किनको, पादपों को और जंतुओं को ऑन द बेसिस ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। मतलब कि उसमें पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर और उसमें पाई जाने वाली असमानताओं के आधार पर क्या करता है, ये क्लासिफाइड करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है। भाई जैसे कि बात करें हम मनुष्य हो गए, तो हम मनुष्य में कौन कौन सी समानताएं हैं दूसरे मनुष्य से, किस प्रकार की अपन क्या करते हैं दूसरे जीव से असमानता है, उनके आधार पर क्या करेंगे अपन टैक्सोनॉमिक क्यूज का यूज करेंगे और फिर उनका क्या करेंगे ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाइड करेंगे। भाई जैसे कि एक और एग्जांपल लो, आपने कोई नया जीव खोजा, ठीक है, तो वो जो नया जीव खोजा, अब दो ही कंडीशन है भाई, या तो वो प्लांट्स होगा या एनिमल्स होगा, ठीक है। मोस्टली यही होता है, वायरस वगैरह की अपन बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लांट्स हो गया या एनिमल्स हो गया, डन। तो अब ये जो जीव खोजा है अपन ने, इनके किससे करेंगे सिमिलरिटी, जैसे कि आपने खोज लिया एक पादप खोज लिया, अब पादप की अपन को क्या करनी है, उसमें पाई जाने वाली समानता है कौन कौन सी, असमानता है कौन कौन सी, उसकी तुलना किससे करेंगे अपन, उसकी तुलना जो अपने पास प्रेजेंट जो पौधे हैं उनसे करेंगे, उनकी सिमिलरिटीज की, उनकी डिसिमिलरिटीज की करेंगे अपन तुलना करेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन लोग ये पादप है जिसे अपन ने ग्रीन कलर की अपनी इंकी डब्बी ये अपन ने खोजी, ठीक है, या आपने खोजा है, और अपने पास ये ब्लैक कलर की इनकी डिब्बी ये अपने पास पहले से खोज चुके हैं, इसके बारे में सारी डिटेल्स, क्लासिफिकेशन, सारे अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब है इसके अंदर, ठीक है, सारे मौजूद है। अब अगर इसकी कुछ सिमिलरिटीज, कुछ इसकी डिसिमिलरिटीज, किसकी नया जो अपन ने खोजा है इस वाले की, किससे मेल खा रही है, इससे समानता हो रही है इससे, तो अपन क्या करेंगे इस बेसिस पर क्या कर सकते हैं अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब एनिमल्स भी हो सकता है ये और प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, की हेल्प करती है। अब आगे चलो, आगे बात करते हैं अपन कि द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर आर कोल्ड कपलेट एंड रिप्रेजेंटेड द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, वन इज एक्सेप्ट एंड अदर इज रिजेक्टेड, ठीक है। भाई क्या हो रहा है कि की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि कौन से लक्षण होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आते हैं विप्रयासी लक्षण, ठीक है। कैरेक्टर जनरली इन पेयर आर कॉल्ड कपलेट एंड रिप्रेजेंटेड द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, वन इज एक्सेप्ट एंड अदर इज एक्सेप्ट। भाई तो इसके अंदर क्या होता है कि की जो होती है इसके अंदर क्या होता है, दो कैरेक्टर्स लेंगे अपन, दो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं कंट्रास्टिंग होते हैं, दोनों के दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, दोनों के दोनों विपर्यासी होते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट होगी या दो अपन कैरेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। ये दो कैरेक्टर लिए जाते हैं और इनमें से क्या होता है, ये जो दोनों कैरेक्टर है इनको कहते हैं अपन कपलेट एक साथ, ठीक है। और इस प्रकार से जो दो अपोजिट जो कैरेक्टर है उसमें से अपन को क्या करना रहता है,
एक एक्सेप्ट करना रहता है और दूसरा को क्या करना रहता है, रिजेक्ट करना रहता है। ठीक है, अब इसे किस प्रकार से अपन और समझेंगे, देखिए इसके लिए आगे चलते हैं हल्का सा अपन। टू टाइप्स कीज आर ऑलवेज यूज्ड, इंडेंट एंड ब्रैकेटेड। कौन सी? इंडेंट एंड ब्रैकेटेड, ये दो टाइप्स की कीज होती है जिन्हें अपन यूज करते हैं। ईच स्टेटमेंट इज अ की इज कॉल्ड लीड। ईच स्टेटमेंट इन कीज इज कॉल्ड लीड, यानी कि क्या होता है, मार्गदर्शक होती है। और दो प्रकार की कीज होती है, इंटेड और ब्रैकेटेड, दो प्रकार की कीज होती है। अब अपन चलते हैं अपने बीच वाले टॉपिक के अंदर, तो किस प्रकार से होगा भाई, देखिए इसका मेन मेन मुद्दा अगर मैं आपको बताऊं कीज का क्या होता है, तो कीज में अपन किसी भी जीव का या किसी भी प्लांट्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे, तो अपन को क्या कर दिए जाएंगे, दो कैरेक्टर्स होंगे अपने पास। अब ये दो जो कैरेक्टर्स है पहले से रिप्रेजेंट होंगे अपने पास, यानी पहले से निर्धारित होते हैं, ये अपने पास लिस्ट होती है, उसके आधार पर अपन नई जीव का क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि वो जीव किस में रखा जाना चाहिए, पक्षियों में आना चाहिए कि ममेलिया में आना चाहिए, पिसीज में आना चाहिए, रेप्टिलिया में आना चाहिए, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उनको क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उनका, तो दो कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखिए अब दोनों में क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक हाँ कर रहा होता है तो दूसरा क्या कर रहा होता है, ना कर रहा होता है। इस प्रकार के दो कैरेक्टर्स अपन लेते हैं जिन्हें कंट्रास्टिंग कहते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहा जाता है। ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, पेयर के अंदर होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, कपलेट कहा जाता है। और प्रत्येक में से आपको सिर्फ एक चूज करना है, क्या करना है, एक चूज करना है, मतलब ऐसा समझिए आपके पास एक तो रख दिया गुलाब जामुन, एक हो गया रसगुल्ला, दोनों के क्या है, कंट्रास्टिंग है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक खाना है, क्या करना है, एक खाना है, दोनों नहीं खाना है। अब आपके ऊपर है कि वो आप गुलाब जामुन खाते हो या फिर आप रसगुल्ला खाते हो। ठीक है, तो दोनों होते हैं, मतलब क्या है, कंट्रास्टिंग होते हैं, विपर्यासी लक्षण होते हैं। अब इसे समझेंगे कि ये किस प्रकार से हेल्प करेगा अपने किसी जीव को समझने में। भाई आप सर भैया आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि दो लक्षण लेंगे, ठीक है, दोनों विपर्यासी होंगे, ये भी ठीक है, और दोनों में से अपन को एक ही अपसक करना है किसी जीव को क्लासिफाइड या अपन को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी आप ठीक कह रहे हो, समझ में आ रही सारी चीजें, बट अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज को। तो देखिए इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि टेल इज ए होमोसीरियल, टेल इज ए हेटरोसीरियल। अब आप देखिए, आपने मछली देखी, मछली का जो पीछे का हिस्सा आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा, जैसे कि अपन बात करते हैं, ये अपनी क्या है, मछली है, ठीक है, इसका एक इस प्रकार से होता था पीछे का, अगर बात करें तो अपन ये मछली बन जाए, ये मछली मान लो, ठीक है, ये मछली है, तो ये अगर दोनों क्या है इसकी, यानी कि दोनों टेल के जो इसके सिरे हैं ये दोनों सेम है, यानी कि दोनों समान है, तो अपन जानते हैं क्या हो जाएगा, होमोसीरियल। ठीक है, आप इधर आओ, दूसरी मछली की बात करते हैं अपन, ये दूसरी मछली, अब इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये, अब ये दोनों सेम है क्या, भाई ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, तो इसे क्या कह देते हैं, हेटरोसीरियल, क्या कह देते हैं, हेटरोसीरियल। अब ये क्या है, दो लक्षण है अपने पास मछलियों के, भाई एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, बहुत अच्छा से अभी समझ में आ जाएगा, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से कीज हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लासिफाइड करने के लिए। तो अपने पास ये क्या, दो स्टेटमेंट है, क्या है, दो स्टेटमेंट है कि टेल कैसी हो सकती है, टेल इज होमोसीरियल एंड टेल इज हेड्रोसेल। ठीक है, अब आपने कोई मछली खोजी, मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने फिश खोज चुके हैं, ठीक है, अब आपको उसको देखना है कि उसे हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कैसे उसे क्या करना है, अपन को उसको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाइड करना है। जैसे कि अपन लेते हैं एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल किसका उठा, ये है, ये क्या है, एक मार्कर है रेड कलर, इसे मानिए आपने एक फिश है, इसको आपने खोज लिया, ठीक है, आपने क्या करे, इसे खोजा, अब आपके सामने समस्या है कि यार मैं इसे क्लासिफाइड कैसे करूं, मैं इसे आइडेंटिफाई कैसे करूं, ये आपके सामने समस्या है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे कि अपने पास स्टेटमेंट कौन कौन से, पहले से कौन कौन से कैरेक्टर स्टिक्स हैं फिशेस के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा भैया दो कैरेक्टर, दो स्टेटमेंट है, होमोसीरियल हो सकती है फिशेस या हेटरोसीरियल हो सकती है, यानी कि दोनों की जो पूंछ है वह समान हो सकती है और दोनों की पूंछ अलग अलग हो सकती है, समझ में आई बात। ठीक है, अब इस आधार पर कैसे अपन करेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों कैरेक्टर लेने पड़ेंगे भाई, या तो होमोसीरियल होगी या फिर हेटरोसीरियल होगी, तो दोनों कैरेक्टर एक साथ लिए जाते हैं, अब दोनों अलग अलग है, देखो होमोसीरियल अलग होता है और हेटरोसीरियल अलग है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपन इसके बेसिस पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं। अब ये दोनों साथ में होते हैं, आप अगर होमोसीरियल ले रहे हो तो हेटरोसीरियल आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों अपन पेयर के अंदर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर टेल इज अ होमोसीरियल हो सकती है,
और टेल इज हेटरोसेरल। ठीक है, अब ये दोनों लक्षण एक साथ मिले यानी कि पेयर के रूप में, तो ये चीज तो क्या कहलाएगी, कपलेट कहेंगे। और ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट, ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन कीज या कपलेट इज कॉल्ड लीड। तो ये क्या है, ये लीड होती है, ये प्रत्येक जो स्टेटमेंट है जैसे कि टेल इज ए होमोसेरल, ये एक स्टेटमेंट होगी, तो ये क्या कहलाएगी, लीड। एक स्टेटमेंट है ये कौन सी, टेल इज ए हेटरोसेरल, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक लीड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से दो लीड मिलके एक कपलेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, आई समझ में। अब अपन कहते हैं कि अपने किस प्रकार से ये हेल्प करके जा रही है। ठीक है, तो आपने देखा, ठीक है, आपने क्या देखा कि हाँ अपने पास फिश आ चुकी है, फिश आ चुकी है, अब आप इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो फिश के बारे में अध्ययन करोगे, इसकी पूंछ देखोगे, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन जानोगे, क्योंकि आप क्या हो, एक साइंटिस्ट हो, सारी चीज आपके पास होनी चाहिए रिकॉर्ड के रूप में। ठीक है, अब आपने देखा तो आप क्या कर रहे हो, इसका विश्लेषण करोगे, इसका क्या करोगे, एनालिसिस करोगे पूरी, किसकी, कीज की, इस फिश की आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, बिल्कुल सारे कैरेक्टर्स का आप देखोगे। आपने देखा क्या कि भैया ये फिश जो मैंने खोजी ये तो क्या है, होमोसेरल है, ये तो क्या है, मतलब इसके तो दोनों क्या है, दोनों क्या है, इसकी पूंछ समान है, इसकी तो जो दोनों के जो टेल है ये क्या है, उनकी एक दोनों के दोनों इक्वल है टेल जो है, यानी कि ये कौन सी होगी, होमोसेरल होगी। आपने क्या करा, आपने ये फिश खोजी और इसके दोनों टेल क्या लगी आपको, बस सिमिलर है, दोनों के दोनों क्या है, समान है। आपने क्या करा, आपने देखा कि भैया जब दोनों टेल समान होती है तो उन्हें कहां पर रखा जाता है, कौन से वर्ग के अंदर, कौन सी कैटेगरीज होती है उनके लिए, कौन सा ऑर्डर होता है उनके लिए। ठीक है, और ये फिशेज हैं या क्या हैं, इन्हें कहां पर अपन रखेंगे, यानी कि अपन ने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया और क्या कर लिया, उनका क्लासिफाइड भी कर लिया, किस बेसिस पर, उसके दो स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी, किसका कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो, प्लांट का कर सकते हो, एनिमल्स का कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो, ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म जो होता है उन सबका आप क्लासिफाइड कर सकते हो एंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग अब क्या होना चाहिए, आपने खोज लिया इसके दोनों टेल समान है, तो आप मुझे बताइए कि कौन से कैटेगरी में आएगी, ये हेटरोसेरल में आएगी कि होमोसेरल में आएगी, किसमें आएगी, बिल्कुल किसमें आएगी, होमोसेरल में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि भैया इसकी दोनों लोब सेम है, तो अब कौन सा एक्सेप्ट हो गया अपना, होमोसेरल एक्सेप्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया ना, दूसरा अपना हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी की भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अपन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किसके आधार पर, कीज के आधार पर। तो इस प्रकार से अपन को हेल्प मिलती है टैक्सोनॉमिक टूल्स के अंदर, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, एक्सेप्ट करते हैं अपन एक को और दूसरे को अपन को रिजेक्ट करना होता है, या दूसरा अपने आप ही रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक प्लांट खोदा, एक और एग्जांपल ले लो फटाफट से, जल्दी से इसको समझते हैं अपन, कि एक आपने प्लांट खोजा। ठीक है, अब प्लांट आपने खोजा, अब आपने देखा कि उसमें फूल आते हैं या नहीं आते, दो स्टेटमेंट ले लिया आपने कि भाई जैसे कि इसको तो हटा, जैसे कि फ्लावरिंग यस, यानी कि फ्लावरिंग क्या हो रही है, हो रही है नहीं हो रही, या फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो दो स्टेटमेंट होगी आपकी। ठीक है, क्या होगी, दो स्टेटमेंट हो चुके हैं आपकी, क्या हो चुकी है, दो स्टेटमेंट हो चुकी। अब आप क्या देखोगे कि अगर फ्लावरिंग हो रही है उस प्लांट के अंदर तो उसे कहां रखना है, तो अपने आप ये रिजेक्ट हो जाएगा ना, और अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो कीज होती है बेस्ट होती है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है, पेयर के रूप में होती है, और प्रत्येक जो पेयर होता है उसे कपलेट कहते हैं, और ईच स्टेटमेंट इन कपलेट या की क्या कहलाती है, इज कॉल्ड लीड, इज कॉल्ड लीड। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि इन्हें क्या करा जाता है, टू अपोजिट ऑप्शंस होते हैं जिनमें से एक को एक्सेप्ट करना होता है और एक को रिजेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसकी जो नेचर होती है वो एनालिसिस वाली होती है, यानी कि क्या होती है, विश्लेषण वाली प्रकृति रखती है। क्यों, क्योंकि अपने सारा एनालिसिस करते हैं सारी चीजें, ठीक है, क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इस प्रकार के होते हैं की इज नेचर ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से कीज का अपना होता है। अपन और समझते हैं और एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे एक बार और समझा जाए कीज को। चलिए अब बात करते हैं आगे वाले अपने एग्जाम्पल के बारे में और इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे अपन कीज को। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सिम्टम्स आर डिटरमाइंड फॉर ईच ग्रुप, यानी कि क्या होते हैं, जो विविधित जो लक्षण है वो क्या होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आपको कोई जीव मिला है तो आप अब उसके लक्षण बनाने बैठोगे, आपको क्या करना है,
कि आपको जो पहले से अपने पास जानकारी है, जो पहले से अपने पास लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि पहले से आपके पास लक्षण जो है उनके आधार पर उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि मान लेते हैं आपने खोजा है कोई आलू की एक नई प्रजाति मिली आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे किस प्रकार से डिटरमाइन करें, उसे किस प्रकार से आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाइड करेंगे आप, उसके स्टेटमेंट देखेंगे कि उसके स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको कहां पर मिलेगी। तो जैसे कि आप आते हैं आलू की फैमिली पे आ जाते हैं अपन, ठीक है, आलू की फैमिली पे आप आए, आपने देखा अच्छा ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे उसके क्या हैं, आलू के कैरेक्टर्स हैं मान लो, ठीक है। अब आपने देखा कि इसकी सिमिलरिटी किसके साथ है, इसके साथ है, किसके साथ है, इस आलू के साथ इसकी क्या है, सिमिलरिटीज है। आप क्या करोगे, फिर उसे आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाइड करोगे किसके अकॉर्डिंग, जो पहले से डिटरमाइंड जो है अपने पास कैरेक्टर है उनके आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, जब चाहे से वो एनिमल्स हो चाहे से वो प्लांट हो, उसको अपन क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। अब चाहे से ग्रुप कोई सा भी हो, वो स्पीसीज हो सकती है आपकी, जीनस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप हो, कोई सा भी कैटेगरी हो, कोई सा भी हायरार्की हो, ठीक है, उन सबके लिए क्या होती है कि लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होती है, और जिसमें से अपन को क्या करना है, की के लिए अपन को कपलेट्स लेने, मतलब कि दो स्टेटमेंट ले ली होती है, ठीक है, जिसमें से अपन दो कंट्रास्ट लक्षण चूज करते हैं। जैसे कि बात करो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने खोजा है कोई आपको सांप मिला है, यानी कि आपको क्या मिला है, स्नेक मिला है, कि आपने एक स्नेक खोजा है। अब ये स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस, दो कैरेक्टर हो गए ना भाई, कौन कौन से है, कि जैसे कि मान लो ये अपना स्नेक था, अब ये पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है, ठीक है। तो इस आधार पर दो लोग, दो कैरेक्टर्स लोग हैं आप, जिन्हें अपन क्या कहेंगे, कपलेट कहेंगे, और पर ईच स्टेटमेंट इन कपलेट ये क्या कहलाती है अपनी, ये कहला रही थी अपनी लीड। तो इस आधार पर आपने क्या ले लिया, एक कपलेट ले लिया पूरे पेयर के रूप। आपने देखा स्टडी करी सांप की, कि भाई इसने आपने देखा कि ये सांप तो क्या है, पॉइजनस है, तो पॉइजनस है, तो फिर आप इसको कहां डालोगे, क्लासीफाई करके पॉइजनस स्नेक की जो कैटेगरी होगी उनका जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर के अंदर डालोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, कीज के आधार पर कपलेट लेते हैं, और कपलेट के आधार पर जो भी उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके आधार पर किसी ऑर्गेनिज्म का अपन आइडेंटिफाई करेंगे एंड क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कीज हेल्प करके जाती है किसके अंदर, टैक्सोनॉमिक टूल्स के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर क्या होता है, ये जीव अपन को हेल्प करता है, अपनी मदद करता है किसी भी जीव पढ़ने के अंदर, या फिर बात करें तो टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं अपन, कोई भी आपने नया जीव खोजा या कोई भी पुराना जीव है उसको अपन को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है। किस आधार पर करोगे, कीज के आधार पर करोगे, तो किस प्रकार क्या होता है कीज में, कि सबसे पहले तो जो अपने पास डिटरमाइंड जो लिस्ट होती है उसमें से दो कैरेक्टर्स उठाओ, जैसे कि एक और एग्जांपल के मैं माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूं, और क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल ही डाउट नहीं रखेंगे। आपने एक प्लांट मिला आपको खोजा, अब आपको करना उसको क्लासिफाइड करना है, तो आपने जैसे कि ले बहुत सारी लिस्ट है अपने पास कैरेक्टर की, बीज के आधार पर भी हो सकता है, जड़ों के प्रकार के, लीफ के प्रकार के आधार पर, तो आपने ले लिया मान लेते हैं जैसे कि फ्लावर के आधार पर, कि मुझे इसे फ्लावर के आधार पर क्लासिफाइड करना कहाँ कहाँ आ सकता है, तो दो ही लक्षण हो सकते हैं, या तो फ्लावर आएंगे या फ्लावर नहीं आएंगे। तो आपने जो पादप खोजा है उसके अंदर क्या आ रहे हैं, फ्लावर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे अब उसे उस आधार पर, तो एक जो कैरेक्टर था अपना, एक जो कपलेट थी, एक जो लीड था, उसे तो एक्सेप्ट कर लिया आपने कि प्लांट इन फ्लावरिंग, ठीक है, पादप में क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, तो प्लांट इन फ्लावरिंग ये वाला तो एक्सेप्ट कर लिया, एंड प्लांट इन नॉट फ्लावरिंग तो ये आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाइड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने पढ़ा कीज के बारे में, ठीक है, जो कि क्या होता है, टैक्सोनॉमिक टूल्स होता है, टैक्सोनॉमिक एड्स होता है, और किस प्रकार से हेल्प करके जाता है अपने किसके अंदर, इसके अंदर, बिल्कुल आपने सही कहा, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के अंदर किस प्रकार से हेल्प करता है, टैक्सोनॉमी किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, उस सब के बारे में अपन जान चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करेंगे अपन, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे। तो वीडियो में अगर टॉपिक के अंदर फिर भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, रिलेटेड कुछ भी हो, तो डाउट्स आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, आप बिल्कुल आपके कमेंट्स, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उन तक भी ये वीडियो पहुंचे तो इसको शेयर भी जरूर कर देना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, बिल्कुल, और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के तक, ताकि पहुंच जाए ये वीडियो उन तक भी, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बायोलॉजी के एक और क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन
पढ़ेंगे स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में, जाति संकल्पना के बारे में, जो कि नीट और किसके इंपोर्टेंट से आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।